मैं फिलहाल तो यहाँ पे स्टेटमेंट देने आई हूँ जो काफी टाइम से पेंडिंग था, और ये सबको पता है कि मुझे पूरी तरह से फ्रेम किया गया क्योंकि मैं बार बार मीडिया से इंटरेक्ट कर रही थी, लोगों के सामने सारी चीजें लेकर आ रही थी। क्योंकि हो क्या रहा था कि ये लोग सिर्फ वन साइडेड खेल रहे थे, इनको जो मन में आ रहा था वो लिख रहे थे, जो मन में आ रहा था बोल रहे थे। तो बहुत ज़रूरी था कि मैं अपना पक्ष रखूं। तो जब मैंने अपना पक्ष रखना शुरू किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको हक है कि वो अपनी बातें रखें, तो मैंने अपना हक पूरी तरह से यूज़ किया, मैंने अपनी बातें रखी, तो मुझ पर केस किया गया, पूरी तरह से मुझे फ्रेम किया गया। मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है, मेरे पास प्रॉपर रॉ फुटेज है, CBI के पास भी एक कॉपी है, मेरे पास भी एक कॉपी है, मेरे पास NOC वीडियोस हैं। जिस लड़की ने मुझ पर केस किया है उसने 4 अलग अलग डायरेक्टर्स पर केस किया है। मजाक चल रहा है कि वो एक शूट पे जाती वहाँ भी फोर्स हो रहा है, सेकंड पे जा रही वहाँ भी उसके साथ फोर्स हो रहा है, पता नहीं किस टाइप का मजाक चल रहा है। सबको पता है कि गलत केस था, आप मेरी FIR कॉपी भी देखोगे वहाँ भी पता चलता है कि गलत केस है। इसके बावजूद केस को बढ़ाया गया, बट फाइनली मैं बहुत थैंकफुल हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने मुझे रिलीफ दिया है। अभी मैं इंटरिम बेल पर हूँ और बहुत जल्दी मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, मैं यही उम्मीद करती हूँ। इस मामले में राज कुंद्रा अभी 3 दिनों पहले जेल से बाहर आए, जब वो जेल गए थे तब आपने उनका सपोर्ट किया था कि जो मूवी है उसको इरोटिका बताया था, अभी किस तरह से आपका बयान होगा, वो जेल से बाहर आए हैं जमानत पर 64 दिनों का? देखो अभी मैं राज कुंद्रा पे कोई कमेंट पास नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी फिल्में हम लोगों ने बनाई हैं सारी फिल्में एरोटिक हैं, बोल्ड हैं, कोई भी फिल्म पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आती है। किसी भी फिल्म में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है जिसे आप पॉर्न कह सकें, और अपार्ट ऑफ ऑल दिस अभी तक डिजिटल में सेंसर नहीं है। अगर आपके घर में डोर नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, तो कोई परमिशन लेके नहीं आएगा। सो जहाँ पे किसी चीज़ की परमिशन की ये ज़रूरत नहीं है उस पर एक बिना मतलब का केस बना दिया जाता है। बाद में लड़कियों को ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके कि अगर आप केस नहीं करोगे तो आपको भी एक्यूज बना दिया जाएगा, तो बेटर आप विक्टिम बन जाओ, उन्हें फोर्स करके केस करवा दिया जाता है। सो ये सारी तरह से गंदगी फैलाई जा रही है। और मैं अभी भी यही कहूँगी कि पहले भी मैं यही कह रही थी कि फिल्में एरोटिक हैं, बोल्ड हैं, कोई भी फिल्म पॉर्न की कैटेगरी में आती ही नहीं है। उन्हें बार बार पॉर्न कह देना गलत तरीके से चीज़ों को फ्रेम कर देने से चीज़ें नहीं बन जाती जो आप कहते हो, सच सच ही रहेगा। और मेरे पास हर चीज़ का रॉ फुटेज है, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रूफ मैं तब दिखा सकती हूँ जब केस खुलेगा। अभी तो फिलहाल जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ इस चीज़ की लड़ाई है कि इन्हें मुझे JC चेहरे में रखना है या PC में रखना है। पहले ये सॉर्ट आउट हो जाए तो जब मेरा केस खुलेगा तब ऑटोमेटिकली सबके सामने सच आ जाएगा कि किस तरीके से मुझे फ्रेम किया गया, किस तरीके से मुझे फंसाया गया। एक आखिरी सवाल, आप कह रही हैं कि फ्रेम किया जा रहा है, जबरन जो इस केस में जुड़े हुए लोग हैं उनको बोला जा रहा है कि आप बयान दो या लड़की को FIR करने के लिए कहा गया, कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन लोग? क्योंकि केस बहुत कमज़ोर है। जब आप कोई केस बना लेते हो आपको भी जवाब देना पड़ता है कि आपने केस क्यों बनाया है, क्योंकि आप भी किसी न किसी को आंसरेबल होते हो, आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता। तो जब आपको पता होता है कि आप कमज़ोर हैं तो आपको एक दो कड़ियाँ और जोड़नी पड़ती हैं। कहते हैं ना, अगर रस्सी कमज़ोर है तो गठान लगानी पड़ती है, तो वही चल रहा है यहाँ पे। इन्हें पता है कि पॉन का कोई केस ही नहीं बनता क्योंकि अभी तक डिजिटल पर सेंसर नहीं आया है। तो लड़कियों को ज़बरदस्ती प्रेशर देकर ये कहा जाए कि फोर्स करके शूट करवाया गया है, जो कि कभी नहीं हुआ। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो लड़कियाँ ये अभी केस करके बहुत खुश है ना कि हमने केस तो कर दिया, हमारी जीत हो गई, मैं बाकायदा जहाँ तक मैं लड़ सकूँगी मैं वहाँ तक लड़ूंगी, जितनी बार मुझे लड़ना पड़ेगा मैं उतनी बार लड़ूंगी, और मैं हर बार सच सामने लेकर आऊँगी। और इन सारी लड़कियों पर मैं डेफेमेशन केस भी डालूंगी, क्रॉस FIR भी डालूंगी, और जब इनके प्रूफ मैं सामने लेकर आऊँगी तो उन्हें पता चलेगा कि गलत केस करने का नतीजा क्या होता है। मैं लड़की होकर मुझ पर 376D लगा दिया, इमेजिन करो अगर मेरी जगह कोई लड़का होता, उसकी ज़िंदगी निकल जाती है प्रूफ करने में कि उसने किसी का रेप नहीं किया है। यहाँ लड़की को प्रूफ करने के लिए 5 months लग गए, मैं 5 months जेल में थी एक रेप केस के लिए। यहाँ रोड चलते हुए किसी आदमी पे एक लड़की बोल देगी ना इसने मेरा रेप किया, इसने मुझे छेड़ा, कोई सफाई नहीं मांगता, कोई नहीं पूछता, कोई एक प्रूफ नहीं मांगता, तो फिर ये तो गलत है ना। आपको लड़ने का हक था, मैं लड़ूंगी। और इन सारी लड़कियों को ये सबक मिलना चाहिए कि गलत केस नहीं करना चाहिए। आप अगर सच हैं तो सच के लिए लड़ो। और एक बात कही जाती है, सच ही हमेशा जीतता है, तो मैं ही जीतूंगी। सच
सचिन वजे इसको शुरुआत में केस में देख रहे थे, उनको लेकर भी कोई आपको मन में सवाल तो नहीं है? जिस तरह से उनका नाम बाद में आया वसूल केस में और अभी मर्डर केस में भी आरोपी हैं, तो कहीं कहीं संदेह पैदा होता है कि उनका मकसद क्या था उनका कहीं ये दर्ज करने का केस? देखो उसका कोई रिलेशन नहीं है ये हमारे केस से, उसका कोई लेना देना नहीं। थैंक यू।